गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आफ्टर जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डांस ट्रांजेक्शंस, द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डांस ट्रांजेक्शंस। जर्नल एंट्रीज जानने के बाद कुछ क्वेश्चंस ये आपकी पढ़ाई में यह भी जानना जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस के को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम कैसे अकाउंटिंग बनाते हैं। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तलपट के से हम ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इन ट्रायल बैलेंस के आइटम को इनकॉर्पोरेट कीजिए, अकाउंटिंग फॉर्म में समामेलित कीजिए लेखा के रूप में। इस कंडीशन में हमें क्या बनाना होगा, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में आपको जानकारी है क्या रहता है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर का, जितना भी एक्सपेंसेस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर का सभी एक्सपेंसेस रहता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एसेट्स रहता है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में नॉमिनल नेचर का इनकम्स रहते हैं, सेल्स रहता है या जितनी भी लायबिलिटीज है वो रहता है। इस तरीके से उन आइटम से हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा। ऑलमोस्ट ये अकाउंटिंग हमारा जो सेकेंड पार्ट जर्नल एंट्रीज का था, फॉर द जर्नल एंट्रीज फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस, उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में, जैसा कि आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू को लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में प्राय परचेजेस ही ये टर्म यूज करता है, गुड सप्लाई नहीं। जो भी टर्म यूज किया परचेजेस, तो परचेजेस गुड सप्लाई, तो गुड सप्लाई ज्यादातर परचेजेस मिलेगा, इसलिए टू परचेजेस। और डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस, कैरेज, फ्रेट एक्सेट्रा, किसी भी तरह के डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस दिया गया है, तो उन सभी को लिखेंगे। क्रेडिट साइड में हम सेल्स को लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं और इन सब के वैल्यू को लिखने के बाद डिफरेंस निकालते हैं। अगर बैलेंसिंग डेबिट में आता है तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं, बैलेंसिंग क्रेडिट में आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग बनता है इसी कॉलम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हेडिंग में ही देख रहे हैं, कंबाइंड अकाउंट है ये, ट्रेडिंग भी और पीएल भी। तो अब नेक्स्ट पार्ट हमारा पीएल अकाउंट है। पीएल अकाउंट में सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर लाएंगे, ग्रॉस लॉस होने से लॉस का साइड डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद डेबिट आइटम में नॉमिनल नेचर का जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे सैलरी है, रेंट है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे खर्च हो सकते हैं जो भी ब्रांच करता है, सभी को लिखेंगे। क्रेडिट में हम नेट नॉमिनल नेचर इनकम, जो कि प्राय होना नहीं है लेकिन फिर भी अगर है तो लिखना है, नॉमिनल नेचर इनकम, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड इत्यादि अगर कुछ क्वेश्चन में दिया गया तो लिखेंगे हम। और लास्ट में सब कुछ लिखने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस डेबिट में है, इफ डिफरेंस लाइज इन डेबिट साइड इज नोन एज नेट प्रॉफिट। और ऐसे सभी प्रॉफिट लॉस को फाइनली पीएल अकाउंट बनाने के बाद हर एक ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, तो जनरल पीएल अकाउंट में। लॉस अगर आता है तो नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। इसके बाद इसी अकाउंटिंग प्रोसेस में एक और अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट। वो अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जैसा कि बतलाए इनकॉर्पोरेशन की जर्नल एंट्री जो बतलाया उसी पर बेस्ड ये अकाउंट, से कुछ भी अलग नहीं। इनकॉर्पोरेशन में हम फर्स्ट एंट्री आपको बतलाए थे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, सभी के अमाउंट को कंबाइंड करके। सेकेंड एंट्री बतलाए थे हम उसमें ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट।
ब्रांच डेबिट है, इसलिए ब्रांच के डेबिट में टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा वैल्यू आएगा इसमें, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों के अमाउंट को कंबाइंड करके लिखेंगे। नेक्स्ट नॉमिनल नेचर एक्सपेंसेस के लिए बतलाए थे हम, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में बाय ब्रांच पीएल अकाउंट। नॉमिनल नेचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी, बाय चांस नॉमिनल नेचर इनकम दिया गया है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनकम क्रेडिट आइटम था ब्रांच पीएल क्रेडिट होता था, ब्रांच डेबिट तो ब्रांच पीएल अकाउंट। नॉमिनल नेचर इनकम अमाउंट, इसके बाद एसेट्स के इनकॉर्पोरेशन की एंट्री बनती थी, उसमें था एंट्री में ब्रांच एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट तो क्रेडिट में दिखलाएंगे। बाय सन्ड्री एसेट्स यहां क्या लिखेंगे, डिटेल ऑफ एसेट्स जितनी भी संपत्तियां हैं सबको लिखेंगे, जैसे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बिल्डिंग, क्लोजिंग कंप्यूटर, क्लोजिंग बिल्डिंग मशीन, क्लोजिंग फर्नीचर एक्सेट्रा जो भी दिया गया है, और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल वैल्यू, कैपिटल कैपिटल के नाम से नहीं रहेगा यहां पर, हेड ऑफिस बैलेंस के नाम से रहेगा। और सन्ड्री लाइबिलिटीज इससे भी हम अलग अलग लिखेंगे, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी, और लास्ट में जैसा कि जानते हैं नेट प्रॉफिट को लिखेंगे हम ब्रांच पीएल के नाम से, और लास्ट में टोटलिंग कर देंगे, टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इस तरह से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। जब भी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस फॉर्म में दे और बोले इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए तो हमें इसी अकाउंटिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होलसेल ब्रांच से रिलेटेड अकाउंटिंग की जानकारी हम देंगे। थैंक यू।